देखिए, मैं उधमपुर जनता को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं जिनके आशीर्वाद से आज आपने देखा ही होगा कि आज नामांकन भरने के लिए जो आखिरी डेट थी वहां पे मैं कहूंगा कि उधमपुर के वेस्ट कंस्टिट्यूएंसी से मैं कहूंगा कि बुज़ुर्ग माताएं, बहनें और बड़ी तादाद में जो नौजवान यूथ निकल के बाहर आया है उनके आशीर्वाद से मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। और मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से उन सब अपने लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ जो पिछले 10 सालों से हमारे उधमपुर की अनदेखी हुई है। मैं बात करूं बिजली की, मैं बात करूं पानी की, मैं बात करूं हॉस्पिटल की, मैं बात करूं युवाओं के रोज़गार की, महंगाई की, आंगनबाड़ी वर्कर्स की, आशा वर्कर्स की, जो भी अनदेखी हुई है अगर हमें आशीर्वाद मिला, मुझे लगता है कि मुझे आशीर्वाद लोगों ने दे ही दिया है। असेंबली में पहुँच कर जो भी यहाँ के मुद्दे होंगे मैं प्रायोरिटी पर वो मुद्दे हल करवाने की कोशिश करूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो यहाँ पर युवाओं के लिए एकमात्र सुभाष स्टेडियम है, और मैं मुझे इस समय कहना नहीं चाहिए लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जिन नुमाइंदे जो यहाँ से चुन के गए थे, जिन लोगों से उन्होंने वोट लेके उनसे वादा किया था कि मैं असेंबली में पहुँच के हमारे उधमपुर की तरक्की के लिए, युवाओं के खेल के लिए, रोज़गार देने के लिए कुछ करूँगा, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है, जो मन बताया है, मैं एक बार फिर से उनको भरोसा दिलाता हूँ उनका आशीर्वाद से, उनके ऊपर वाले की मेहरबानी से जब मैं जीत के आऊँगा उधमपुर को एक नया रूप देने की कोशिश करूँगा। किस तरह की चुनौतियाँ रहेंगी? एक तरफ जो हैं वो पवन गुप्ता जी। देखिए, चुनौतियाँ मुझे लगता है कोई भी नहीं है, वह हमारे बुज़ुर्ग हैं लेकिन उन्होंने जो वादे करके पूरे नहीं किए हैं मुझे लगता है कोई चुनौती नहीं है। और एक बात और कहूँगा कि अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक अहंकार भरी बात की थी कि टक्कर में कोई नहीं है, और आज मुझे लगता है कि उन्होंने क्या पूरा शहर, पूरे गाँव के लोग हमारे देख रहे हैं कि टक्कर में कौन है। और हमारे ये टक्कर में मैं कहूँगा कि हमें कोई अहंकार नहीं है, हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं, लेकिन जो बुज़ुर्गों, माताओं, बहनों, युवाओं ने आज अपना आशीर्वाद देने मेरे को यहाँ पे पहुँचे हैं इतनी भारी तादाद में, और मुझे आज ये पूरा विश्वास हो गया कि चुनौती कोई नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।